हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर वन मिलियन। जैसा कि आप लोगों ने इतनी डिमांड करी थी कि सर लेके आइए कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से, तो मैनेजमेंट का ये पार्ट फर्स्ट है जो कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है आपसे, डैश इज द प्रोसेस ऑफ अलाउंग द एम्प्लॉयज टू चेंज द नेचर ऑफ जॉब पीरियडिकली। पीरियोडिकली अगर कोई कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपनी जॉब को चेंज कर रहा है, जॉब का नेचर चेंज कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा जॉब रोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जॉब रोटेशन बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, डैश इज समटाइम्स मोर देन मिनिमम वेजेस। अगर कई बार क्या होता है कि मिनिमम वेजेस से कुछ ज़्यादा मिल जाता है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए है ना, मतलब कोई एम्प्लॉय कोई जो कंपनी का मालिक है उसने खुश होकर आपको थोड़ी सी वेजेस ज़्यादा दे दी, जो आपको मिल रही थी मिनिमम वेजेस उससे ज़्यादा दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे लिविंग वेज। क्या बोलेंगे, लिविंग वेज बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। तो ये वाली थ्योरी किसने दी थी, कौन सी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखिएगा विक्टर ब्रूम में दी थी। किसने दी थी, विक्टर ब्रूम में कौन सी थ्योरी दी थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या कहता है, द मल्टी इनपुट अप्रोच टू परफॉर्म फीडबैक इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। देखो भैया, किसी भी अगर तुम डोमिनोज में भी जा रहे हो, अगर उधर फीडबैक मांगते हैं ना, फीडबैक परफॉर्मेंस मांगते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई फीडबैक मांग रहा है तो वो अपने काम में अच्छे ढंग से क्या करना चाहता है और बदलाव लेना चाहता है। तो याद रखिए 360 डिग्री कैसे असेसमेंट हो जाएगा। देखो भैया, आपको उसने पिज्जा खिलाया, ठीक है, पिज्जा खिला के आपसे उसने फीडबैक मांगा, तो फीडबैक मांग के जो आपको जो आप दोगे रिप्लाई कि इसमें क्या कम था, तो उसको चीज़ को पूरा करेगा, तो उसको अगली बार क्या करेगा, उसको पूरा घुमा देगा। तो ये हो जाएगा 360 असेसमेंट कहलाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेज फेरे इज, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ठीक है, ये किसका है, तो ये वेलफेयर स्टेट के लिए है। कैसका, वेलफेयर स्टेट के लिए। जैसे सोशल एडवांटेज आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो वेलफेयर के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करा गया है, लेसे फेरे, ठीक है। नाउ याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि ट्रीपैटिज्म, ठीक है, ट्रीपार्टिज्म मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। अब ये भूल लेगा ट्रीपार्टिज्म का मतलब क्या होता है, देखो भैया याद रखिएगा गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, ठीक है, जो आपकी जो ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, डैश आर द रिटन रिकॉर्ड विच क्लियरली स्पेसिफाई द पर्सनल एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट होना चाहिए अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या हो जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। आपको रिटन रिकॉर्ड मिल गए, आपको क्लियरली स्पेसिफाइज कर रहा है, देखो स्पेसिफाई से याद रखिएगा जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या, जॉब स्पेसिफिकेशन। ना क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है आपसे, एट कह रहा है डैश मेजर्स द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी जो मेज़र करता है, कौन मेज़र करता है, इकोनॉमिक वैल्यू, कौन मेज़र करता है इसको, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कौन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है, इकोनॉमिक वैल्यू को मेज़र करता है, किधर होकर, पीपल के और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पीपल्स की, ठीक है, याद हो गया होगा, गारंटेड याद होगा। स्पेसिफिक आएगा तो क्या करेंगे हम, जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ डैश ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स द डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इन अ लर्निंग एनवायरमेंट। वो ये पूछ रहा है कि उसको उस ट्रेनिंग का नाम बताओ जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन क्या होता है, इंक्लूड होती है, तो उस ऐसी ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, वेस्टिबुले, क्या, वेस्टिबुले ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें लर्निंग एनवायरनमेंट वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान टू चेक एक्ट, क्या बोला, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान टू चेक एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा क्या हुआ था ये इंट्रोड्यूस करा गया था, तो डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग के हिसाब से कौन सा, प्लान डू चेक एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया था डेमिंग के हिसाब से, ठीक है। आपको मैंने ऊपर वाला क्या बताया था अभी, किसने, विक्टर ब्रूम ने, क्या, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नाउ अभी मैंने क्या बताया आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान टू चेक एक्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा, डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, ठीक है। केस मीन्स, ठीक है,
कैजिन मीन्स, कैजिन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखो भैया इंप्रूवमेंट आए तभी इसको वो करना, कंटिन्यूअस बहुत सारे आएंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन में, ये पीछे वाला चेंज करेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखिएगा कैजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, किसी भी चीज़ की कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चल रही है तो उसका मतलब होता है कैजन। और एक का मीनिंग और पूछा था मैंने, क्या ट्रिपेटरिज्म का, क्या ट्रिपेटरिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे, अगर याद हो गए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, एंड यार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बस यही है, पढ़ते रहो अपना।